हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 3 कंप्यूटर का चैप्टर 8, जिसकी एक्सरसाइजेस हम कवर करेंगे। सो एक्सरसाइज नंबर ए है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन इंटेलिजेंस इज, ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसा है, आर्टिफिशियल, सिंपल या फिर नेचुरल? तो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेचुरल होता है, यहाँ हमें लिखना है नेचुरल। सेकेंड है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ AI इज अनबायास्ड, बायास या फिर वीक। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ AI इज क्या होती है, अनबायास्ड होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है और यहाँ पे हम लिखेंगे अनबायास्ड। नेक्स्ट यानी कि थर्ड है मशीन्स विद स्ट्रॉन्ग AI कैन अकम्पलिश टास्क ऑन देयर ओन। तो जो AI मशीन्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजिली, कॉम्प्लेक्स टास्क को ईजिली सॉल्व कर पाती हैं। तो ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स इसका करेक्ट आंसर है और यहाँ पे हमें लिखना है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है सोफिया द सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट हैज़ अ डेलिकेट डैश लाइक अपीयरेंस। तो जो सोफिया है उसकी अपीयरेंस कैसी है, डॉल की तरह, वुमेन की तरह या फिर मैन की तरह? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, वुमेन। फिफ्थ है द क्विक ड्रॉ डाटा सेट इज कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ। किस चीज़ का कलेक्शन है डाटा सेट, ड्रॉइंग्स का, सॉन्ग्स का या फिर गेम्स का? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। प्लानिंग इज द सीरीज ऑफ एक्शन टू बी टेकन टू अचीव अ गोल। तो ये ट्रू है, हम प्लानिंग क्या होता है, एक सेट ऑफ, एक सीरीज ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू हम किसी गोल को अचीव करते हैं। सेकेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडाप्ट ईजिली टू द चेंज इन द एनवायरमेंट। तो नो, ये फॉल्स है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है जो ईजिली अडाप्ट कर पाता है एनवायरमेंट में चेंजेस को। थर्ड है एट प्रेजेंट ऑल AI सिस्टम्स आर वीक, ये ट्रू है। फोर्थ इज सोफिया द ह्यूमनॉइड रोबोट वॉज एक्टिवेटेड इन 2016, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिफ्थ इज क्विक ड्रॉ गेम प्रॉम्प्ट्स प्लेयर्स टू क्विक ड्रॉ 6 ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलवेज डैश ह्यूमन बिहेवियर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करता है, मिमिक। सेकेंड ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन नॉट बीट द डैश ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किस चीज़ को बीट नहीं कर सकता है, स्पीड को। थर्ड इज गूगल असिस्टेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गूगल असिस्टेंट कैसे AI का एग्जाम्पल है, वीक AI का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वीक। फोर्थ है डैश इज अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट क्रिएटेड बाय हैंसन रोबोटिक्स। तो उस रोबोट का क्या नाम है, सोफिया, जिसको हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है, सोफिया। नेक्स्ट इज पिक्चर ड्रॉन इन क्विक ड्रॉ आर स्टोर्ड इन द डैश ऑफ गूगल। जो क्विक ड्रॉ में हम पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होती है, गूगल के डाटा सेट में, यहाँ हम लिखेंगे डाटा सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, किसके बीच में डिफरेंशिएट करना है, वीक AI एंड स्ट्रॉन्ग AI के बीच में। वीक AI क्या है, मशीन्स पावर्ड विद वीक AI आर डिजाइंड एंड ट्रेन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। ऐसी मशीन जो वीक AI से पावर्ड होती हैं वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिज़ाइन की जाती है। स्ट्रॉन्ग AI, मशीन्स विद स्ट्रॉन्ग AI कैन थिंक एंड अकम्पलिश टास्क इंडिपेंडेंटली। जो स्ट्रॉन्ग AI की मशीन्स होती हैं वो किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को अपने आप सॉल्व कर पाती हैं। एक्सरसाइज ई है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फीचर्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट फीचर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड सेकेंड फीचर है रीजनिंग एंड प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में टू डिफरेंसेस लिखने हैं। फर्स्ट डिफरेंस है ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नेचुरल वाइल AI इज आर्टिफिशियल। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम AI से डिनोट करेंगे, वो क्या है, वो आर्टिफिशियल है, उसको मैन ने बनाया है। सेकंड है ह्यूमन डिसीजन कैन बी बायास्ड, जो ह्यूमन डिसीजन होते हैं वो बायास्ड हो सकते हैं वाइल AI डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इज अनबायास्ड, और AI की जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो अनबायास्ड है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज क्विक ड्रॉ सॉफ्टवेयर डू एज वी स्टार्ट ड्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम क्विक ड्रॉ में ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करता है, आंसर है एज वी स्टार्ट टू ड्रॉइंग क्विक ड्रॉ
इट स्टार्ट्स येलिंग आउट वर्ड्स एंड फ्रेसेस एंड थिंग्स यू आर ट्राइंग टू इलस्ट्रेट, तो वो आपको इलस्ट्रेट करना स्टार्ट कर देता है जो उसको लगता है कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. रैविश इज कंप्यूटर साइंटिस्ट. ही इज क्रिएटिंग अ रोबोट विच वुड बी एबल टू लर्न कंटिन्यूसली एंड अडैप्ट एज पर द सिचुएशन. विच फीचर ऑफ इंटेलिजेंस इज ही यूजिंग. वो कौन सा इंटेलिजेंस यूज कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, शॉर्ट में AI बोलते हैं और फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट है एक्टिविटी सेक्शन. इसमें हमें मैच करना है. मैच द टेक्स्ट बॉक्सेस विद द पिक्चर करेक्टली. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो एक किया गया है. आई एम बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस जजमेंट क्रिएटिविटी एसेट्रा. ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है. माई डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इज अनबायास्ड. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आई एम नेचुरल एंड कैन अडेप्ट टू चेंज ईजिली. ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है. आई कैन सॉल्व एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वेरी फास्ट. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फीचर है. नेक्स्ट लैब एक्टिविटी और ग्रुप डिस्कशन है. ये आपको खुद से करने हैं और इसके बाद हम वर्कशीट 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.